अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में जो हमने एमसीक्यूज़ किए थे वो 13 तक थे। अब नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज़ है वो 14 से स्टार्ट हुए हैं। अब 14 में आप देखें, इन द इक्वेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, द कॉन्स्टेंट a इज कॉल्ड। अब a देखें आपके पास, उन्होंने ब्रैकेट में बंद किया हुआ है और ये बताना है कि व्हाट इज ए, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है आपके पास। अब इसमें हमने ये बताना है कि ए क्या है, इसका बी आपके पास होता है स्लोप ऑफ द लाइन, तो ए क्या है कि कांस्टेंट ए इज कॉल्ड। नंबर ए पे है एक्स इंटरसेप्ट, बी है वाई इंटरसेप्ट, सी है डिपेंडेंट वेरिएबल, डी है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके पास है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सो इसमें से जो है वो b वाला करेक्ट होगा कि y इंटरसेप्ट, a इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट। और 15 नंबर पे आपके पास है जो द इक्वेशन क्वेश्चन ऑलवेज पासस थ्रू, कि जो आपके पास है कि आपके पास कहाँ से गुजरती है इक्वेशन लाइन, ए एक्स वाई, बी एक्स बार वाई बार, सी एक्स बार वाई, डी एक्स वाई बार। अब इसमें से जो बी है आपके पास वो आएगा एक्स बार एंड वाई बार, बिकॉज इक्वेशन इक्वेशन ऑलवेज पासिस थ्रू द रीजन। उसके पास आपके पास है 16, द ग्राफ शोइंग द पेड पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई ब्रैकेट में आपके पास इस कार्ड, कि जब हम इक्वेशन में एक्स और वाई के पेयर के साथ ग्राफ को जो ड्रॉ करते हैं उसको क्या कहते हैं। ए आपके पास है हिस्टोग्राम, बी हिस्टोग्राम, सी स्कैटर्ड डायग्राम, डी नॉन ऑफ दिस। अब इसमें से आपके पास जो है वो सी होगा, क्योंकि इन द इक्वेशन द ग्राफ ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड द स्कैटर्ड डायग्राम, कि एक्स एक्सिस पे वैल्यू लेते हैं, वाई एक्सिस पे वैल्यूज लेते हैं, इट इज़ कॉल्ड द स्कैटर्ड डायग्राम। तो सी वाला जो है वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 17 है आपके पास, व्हेन बी वाई ऑन एक्स, अब b के फुट में लिखा हुआ है y x, जब इसके फुट में लिखा होता है तो इट मींस होता है y ऑन x लाइन इस नेगेटिव देन x y। अब b के फुट में जो है वो x पहले है, y बाद में है आपके पास, इट मींस होता है x ऑन y, यानी उल्टा रिलेशन हो जाता है। उसमें आपके पास था y ऑन x, तो इसमें आपके पास है x ऑन y will be the, कि अब आपके पास जब b y on x नेगेटिव है तो b x on y क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तब इसमें आपके पास जो ऑप्शन है a है नेगेटिव, b है पॉजिटिव, c neither नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और d आपके पास है none of these। तब इसमें आपके पास हमेशा ये होता है कि आपके पास बी वाई ऑन एक्स या बी एक्स ऑन वाई, जिसको हम डी भी कहते हैं, ऑलवेज हैव द सेम साइन। अगर बी वाई ऑन एक्स पॉजिटिव है तो बी एक्स ऑन वाई भी पॉजिटिव हमेशा होगा, अगर बी वाई ऑन एक्स नेगेटिव है बी एक्स ऑन वाई भी इसमें नेगेटिव ही होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि इनके अपोजिट साइन है, हमेशा सेम साइन होते हैं इसमें बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई। तो इसलिए इसमें अब आपके पास ए वाला होगा के नेगेटिव, कि जब बी वाई ऑन एक्स इज नेगेटिव देन बी एक्स ऑन वाई विल बी द हार्ट्स ऑन नेगेटिव, ए वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है 18, द टू इक्वेशन कोएफिशिएंट हैव द ऑलवेज, अब अभी इससे पिछले वाले में ही था, अब आपके पास जो b होता है
तो बी आपके पास क्या है, इक्वेशन कोएफिशिएंट, इसको हम स्लोप ऑफ द लाइन भी कहते हैं और इक्वेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। अब ऊपर आपने 17 में देखा कि जब बी वाई ऑन एक्स नेगेटिव था तो बी एक्स ऑन वाई भी नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव एक होता तो दूसरा भी पॉजिटिव होता, क्योंकि इनके हमेशा सेम साइन होते हैं, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इनमें से एक पॉजिटिव हो या एक नेगेटिव हो, क्योंकि बी को ही हम इक्वेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन भी कहते हैं। अब 18 में जो आपके पास है, द टू इक्वेशन कोएफिशिएंट्स हैव ऑलवेज, ए पे आपके पास है अपोजिट साइंस, बी है सेम साइन, सी है नॉट डिफाइन, डी है नो साइन। अब इसमें टू इक्वेशन कोएफिशिएंट है तो इट मीन्स एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी, सो दे हैव द बी, इसमें आपके पास आएगा सही वाला आंसर, हैव द सेम साइन, कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं दोनों पॉजिटिव होंगे, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव होंगे। ऐसा नहीं कभी होता इक्वेशन में कि एक का साइन पॉजिटिव हो और दूसरे का नेगेटिव हो, बी का। उसके बाद आपके पास है 19, द इक्वेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ए पे विजन, बी पे स्केल, सी पे विजन एंड स्केल, डी पे नॉन। अब इसमें आपके पास द इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द विजन ओनली, ठीक है, अभी ए इसमें जो है वो सही होगा, क्या डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट ऑफ द विजन, ए वाला करेक्ट आंसर है। उसके बाद 20th पे आपके पास है, इन एस्टिमेटेड इक्वेशन लाइन वाई हैड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब इसमें बी को देखें, आपको कॉलम्स में लिखा हुआ है कि व्हाट इज बी, कि आपके पास लाइन है वाई हैड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो इसमें बी आपके पास क्या है, आपको पीछे भी मैंने बताया है कि ए इज़ द आपके पास y इंटरसेप्ट, b इज द स्लोप ऑफ द लाइन या इक्वेशन कोएफिशिएंट, जो नाम भी आपके पास है। अब इसमें आपके पास है, देखें a में स्लोप है, b में इंटरसेप्ट है, c में इंटरसेप्ट है, d में इक्वेशन है। अब b जो इसमें आपके पास है स्लोप ऑफ द लाइन, के इन एस्टिमेटेड इक्वेशन लाइन y हैड इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, बी इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन, सो ए वाला जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपके पास 21 क्वेश्चन नंबर, इफ़ वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 0.6 एक्स देन द स्लोप ऑफ द लाइन इज, अब इसमें आपके पास देखिए सिंपली जब आपके पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा जाता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो b के x के साथ जो भी होगा आपके पास इट इज़ कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन। अब जनरली जब हम करते हैं तो आपके पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है, b इज द स्लोप ऑफ द लाइन। अब इसमें b की बजाय वैल्यू लिखी हुई है 0.6, तो अब आपके पास जो स्लोप ऑफ द लाइन है इसमें देखें कहाँ पे है 0.6, a में 2 है, b में 2.6 है, c में 0.6 है, d में 0 है। अब इसमें से जो c है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपके पास 0.6 इज द स्लोप ऑफ द लाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, द बेस्ट फिटिंग कर्व हैज सम ऑफ द स्केयर ऑफ द रेजिड्यूज, के द बेस्ट फिटिंग कर्व हैज सम ऑफ द स्केयर ऑफ द रेजिड्यूज, सम ऑफ द स्केयर रेजिड्यूज कहता है बाय आपके पास s इज इक्वल टू समेशन y माइनस y हेड का स्केयर, इज कॉल्ड द सम ऑफ द स्केयर ऑफ द रेजिड्यूज। अब इसमें आपके पास ए है मैक्सिमम, बी है मिनिमम, सी लार्जेस्ट, डी नॉन ऑफ दीज, तो आपके पास हमेशा जब भी बेस्ट फिटिंग कर्व है सम ऑफ द स्केयर ऑफ द रेजिड्यूज इज
मिनिमम। तो बी इसमें आपके पास जो है वो करेक्ट आंसर है कि मिनिमम। उसके बाद 23 में आपके पास है, इन सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन द नंबर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्स आर। कि आपके पास देखिए जब सिंपल है आपके पास तो आपके पास होता है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, सिंपल लीनियर इक्वेशन में। तो अब इसमें आपके पास वाई भी वेरिएबल होता है और एक्स भी वेरिएबल होता है। तो सिंपल देखिए अब आपके पास कितने इसमें ओनली टू वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपके पास है, इन द सिंपल लीनियर इक्वेशन इक्वेशन द नंबर ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्स, ए में आपके पास 0 है, बी में 1 लिखा है, सी में 2 है, डी में 3 है। तो अब आपका सी वाला जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपके पास सी यानी टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, इफ सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये सैम्पलिंग का आ गया आपके पास, सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 एंड एन इज इक्वल टू, देन द सिग्मा स्क्वेयर एक्स बार इज। जब सिग्मा स्क्वेयर एक्स बार यानी एक्स उसके फुट में लिखा हुआ है एक्स बार, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं इट इज़ द वेरियंस ऑफ द स्टैंडर्ड एरर, और वो आपके पास सिग्मा स्क्वेयर है वेरियंस ऑफ द पॉपुलेशन, एन इज द सैम्पल साइज। तो सिग्मा स्क्वेयर एक्स बार ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा स्क्वेयर ओवर एन लिखा जाता है, यानी सिग्मा स्क्वेयर ओवर एन। तो सिग्मा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी सिग्मा स्क्वेयर ओवर एन का मतलब है 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आती है 2.5। अब इसमें देखिए कहाँ पे है 2.5, If sigma square is equal to 5 and n is equal to 2, then sigma square x bar is, a में 2 है, b में 2.5 है, c में 3 है, d में 5 है। तो आपके मैंने अभी बताया है कि sigma square x bar is equal to sigma square over n, यानी 5 divided by 2, तो जो आपके पास 2.5 यानी b वाला जो आंसर है वो सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, इन सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट अ सैम्पलिंग यूनिट कैन बी सिलेक्टेड। देखिए अब आपके पास है सैम्पलिंग विदाउट, विदाउट का मतलब होता है कि जब हम एक आइटम को ड्रॉ कर लेते हैं तो उसको वापस रिटर्न नहीं करते, और इस तरह वो कभी भी दूसरी दफ़ा नहीं आ सकता। कोई भी एलिमेंट जब हम ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक ही दफ़ा आ सकता है, एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं आ सकता, क्योंकि जब हम उसको वापस नहीं उसमें डालेंगे आइटम्स में तो दोबारा आने के चांसेस नहीं होते विद आउट में। तो इसमें आपके पास यही क्वेश्चन है, इन सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट आ सैम्पलिंग यूनिट कैन बी सिलेक्टेड। ए आपके पास है ओनली 1, बी ट्वाइस, सी लेस देन 1, डी मोर देन 1। अब इसमें ए वाला आएगा ओनली वंस, क्योंकि जब भी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होती है हम किसी भी आइटम को सिर्फ एक दफ़ा ही ड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा दफ़ा नहीं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इज कॉल्ड। तो जब सैम्पलिंग यूनिट की एक कंप्लीट लिस्ट और मैप इस कॉल द सैम्पलिंग फ्रेम, सिंपल इसकी डेफिनेशन आपके पास है। अब इसमें सैम्पलिंग डिज़ाइन भी दिया हुआ है, सैम्पल भी है, पॉपुलेशन भी है और सैम्पलिंग फ्रेम भी है। जब आपके पास कंप्लीट लिस्ट होती है इट इज़ कॉल द सैम्पलिंग फ्रेम। तो डी वाला जो आपके पास है वो सही है कि आपके पास इट इज़ कॉल द सैम्पलिंग। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 27, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। बाद जगह पे हम लिख देते हैं समेशन एक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल एन।
अब जो डिस्टिंक्शन है देखिए, कैपिटल एन यूज फॉर द पॉपुलेशन नंबर्स, स्मॉल एन यूज द सैंपल नंबर। जब हम सैंपल से मीन लेते हैं तो समेशन एक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल एन लिखते हैं, और जब पॉपुलेशन से लेते हैं तो हम डिवाइडेड बाय कैपिटल एन लिखते हैं। समेशन एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन इज इक्वल टू, और जो पॉपुलेशन से मीन लेते हैं यानी कैपिटल एन से जब डिवाइड करेंगे तो इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू, और जब डिवाइडेड बाय स्मॉल एन होगा तो आपके पास इट इज़ शो द एक्स बार, यानी एक्स उसके ऊपर बार डाल के तो उसको शो करते हैं सैंपल के लिए, और म्यू से मीन ऑफ द पॉपुलेशन के, पॉपुलेशन के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास समेशन एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन जो है वो पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता है। तो सो समेशन एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन इज इक्वल टू द ए में एक्स बार है, बी में सिग्मा है, सी में सिग्मा स्क्वायर है, डी में म्यू है, इसको हम म्यू कहते हैं। तो ये डी वाला आपके पास सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, द पैरामीटर आर द न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ द, कि आपके पास ये पैरामीटर क्या होते हैं कि जब पॉपुलेशन से न्यूमेरिकली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड द पैरामीटर्स, सैंपल से लेंगे तो स्टैटिस्टिक। तो सिंपली अब आपके पास है द पैरामीटर्स आर द न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ द, ए वाला जो आपके पास है वो सही होगा कि पॉपुलेशन, कि जब पॉपुलेशन से हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके पास होती है पॉपुलेशन से लेंगे तो वो आपके पास कहलाएंगे पैरामीटर्स, मीन हो मीडियन हो स्टैंडर्ड डेविएशन हो आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, दीज आर द पैरामीटर्स। तो ये आपके पास पैरामीटर होते हैं। तो दी पैरामीटर्स आर द न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ द ए वाला।